हाय गाइस, मृत्युंजय सोनी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं क्रिकेट एनकाउंटर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अगर आप इंडियन टीम के फ़ैन हो तो धोनी के फ़ैन तो ज़रूर होंगे, ये तो पक्की बात है। और धोनी के फ़ैन हो तो सिर्फ उन्हें येलो जर्सी में खेलते हुए देखते होंगे आप सीएसके की तरफ से। और ऐसा हो सकता है एक ना एक दिन कि येलो जर्सी में भी हमें धोनी खेलते हुए ना दिखे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 2023 या 2022 में ही रिटायरमेंट ले लें एमएस धोनी। और अगर एमएस धोनी गए तो कौन करेगा चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी? दो तीन ऑप्शन सामने निकल कर आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी क्लियरिटी कर दूंगा कि कौन करेगा आईपीएल 2022 या 23 में सीएसके की कप्तानी। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। और अगर आप भी सीएसके के फैन हो या आईपीएल के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा हो सकता है कि आईपीएल 2022 में हमें चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए ना नज़र आए। और ऑल दो कन्फर्म्ड माना जा रहा है, हालांकि अभी धोनी ने तो इस बात की पुष्टि नहीं करी है कि वो रिटायरमेंट ले लेंगे आईपीएल 2022 से, पर ऐसा हो सकता है कि आईपीएल 2022 से एकदम से धोनी जो है वो रिटायरमेंट ले ले। और अगर धोनी गए तो तीन ऑप्शन बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं मेरे को सीएसके की कप्तानी में। और फटाफट से इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं। और इस लिस्ट में मैंने तीसरे नंबर पर रखा है डुप्लेसिस को। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है वो फाफ डुप्लेसिस को कप्तानी सौंप दे आईपीएल 2022 में। फाफ डुप्लेसिस के पास भी अच्छा खासा अनुभव है आईपीएल खेलने का, 91 मैचेस खेले हैं, 2622 रन बनाए हैं इनके करियर में, और साउथ अफ्रीका के कैप्टन भी रह चुके हैं, बहुत से मैच जिताए हैं और अच्छी कप्तानी कर लेते हैं। आईपीएल खेलने का भी अच्छा अनुभव है इनके पास, साउथ अफ्रीका की टीम के तरफ से भी बहुत अच्छा अनुभव है फाफ डुप्लेसिस के पास। और सीएसके की टीम के टॉप ऑर्डर के मेन बल्लेबाज है साउथ अफ्रीका की टीम के फाफ डुप्लेसिस। और ऐसा हो सकता है कि आईपीएल 2022 में सीएसके की टीम इन्हें रिटेन कर ले या तो वापस ले लेगी अपनी टीम में आरटीएम कार्ड यूज कर। तो फाफ डुप्लेसिस जो है वो अच्छा ऑप्शन हो सकता है सीएसके की कप्तानी में अगर एमएस धोनी चले गए तो। और एक फैक्टर आ जाता है कि अगर ये भी रिटायर हो गए दो तीन साल में तो और कौन कप्तानी करेगा, तो इनके जो चांसेस है वो 70% रख रहा हूँ मैं कि इनको कप्तानी सौंप दे सीएसके की टीम की तरफ से। इस लिस्ट में मैंने दूसरे नंबर पर रखा है आईपीएल के सबसे ज़्यादा अनुभवी खिलाड़ी मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना को। जी हाँ दोस्तों, सुरेश रैना के पास भी आईपीएल खेलने का बहुत ज़्यादा अनुभव है और धोनी के साथ ही खेलते हैं, धोनी के अंडर में ही खेलते हैं, तो बहुत ज़्यादा अनुभव है इन्हें तो। और इंडियन टीम में भी बहुत ही अच्छा खेलते थे सुरेश रैना, हालांकि अभी तो इंडियन टीम में नहीं खेल रहे हैं, पर आईपीएल खेलने का 200 से ज़्यादा मैच का अनुभव है इन्हें आईपीएल खेलने का। और ऑब्वियसली कप्तानी में भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखा देंगे सुरेश रैना, और इन्होंने कप्तानी करी भी है 2019 में, शायद दो तीन मैच एमएस धोनी मिस कर गए थे और इन्होंने कप्तानी करी थी दो तीन मैचेस में और अच्छी ही करी थी। और सुरेश रैना जो है वो बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है सीएसके की टीम की तरफ से, और ऐसा हो सकता है कि आईपीएल 2022 में जो है रिटेन हो जाए सुरेश रैना, और कप्तानी में भी अच्छा ऑप्शन है सुरेश रैना। तो 80-90% मैं सुरेश रैना के लिए रख रहा हूं, क्योंकि अगर दो तीन साल बाद ये भी रिटायर हो गए तो फिर ज्यादा ऑप्शन नहीं रहेंगे सीएसके के पास, तो सुरेश रैना भी अच्छा ऑप्शन है। इस लिस्ट में मैंने टॉप पर रखा है, मतलब नंबर वन पर रखा है सर रविंद्र जाडेजा को। आईपीएल का तो बहुत ज्यादा अनुभव है रविंद्र जाडेजा का, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन दे रहे हैं रविंद्र जाडेजा, बॉल के साथ, बैट के साथ और फील्डिंग के साथ, मतलब वन मैन आर्मी की तरह चल रहे जाडेजा अभी दो तीन साल से। तो उनका परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट लेवल का रहा है, बहुत इंप्रेस करा है सीएसके की टीम की तरफ से भी, बहुत इंप्रेस करा है और टीम इंडिया की तरफ से भी, मतलब वन मैन आर्मी की तरह चल जाते हैं कभी कभी रविंद्र जाडेजा। एमएस धोनी के अंडर में ये भी बहुत मैच खेल चुके हैं सीएसके की तरफ से, सीएसके के मेन ऑलराउंडर है और आईपीएल 2022 में रिटेन होने के 95% चांसेस है रविंद्र जाडेजा के। और धोनी के बाद अगर सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है मुझे तो रविंद्र जाडेजा का लग रहा है, और रविंद्र जाडेजा का जो करियर है वो तो बहुत लंबा जाने वाला है अभी, और अभी रिटायरमेंट के तो इनके चांसेस बिल्कुल कम है, और रविंद्र जाडेजा भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये लिस्ट में मैंने तीन ऑप्शन रखे, फाफ डुप्लेसिस, रविंद्र जाडेजा और सुरेश रैना। इन तीन में से सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको कमेंट में बताइए, और चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।